सो गाइस नमस्कार, इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का वैसे छात्र जिनका सेशन 19 से 22 है, उन सभी स्टूडेंट की बात करने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, आप आगे पीछे मत करके देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसा बता दिए कि आप लोग क्या करते हैं, आगे पीछे करके वीडियो को देखते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है और गलत कमेंट करके आप लोग चले जाते हैं। तो भाई ऐसा आप लोग मत कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, और नहीं देखना है तो मत देखिए, और देखना है तो शुरू से अंत तक देख लीजिए, ठीक है। तो जो भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र है जिनका सेशन 19 से 22 है, उन सभी स्टूडेंट के बात करने वाले हैं जिनका रिजल्ट आ गया। यानी आप सभी को पता होगा कि पार्ट वन का रिजल्ट आ चुका है, सिर्फ बीए के स्टूडेंट का रिजल्ट अभी रुका हुआ है और साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आ चुका है। तो भाई जो भी स्टूडेंट कॉमर्स और साइंस लिए हैं जो पार्ट वन में है, तो उसका रिजल्ट में किसी प्रकार की एरर हो गया या रिजल्ट किसी प्रकार की प्रमोटेड है या तो पेंडिंग में है या तो रिजल्ट किसी सब्जेक्ट में वो फेल है, तो भाई आप सभी के बात करने वाले हैं। तो आप लोग यदि किसी विषय में प्रमोटेड है या किसी भी विषय में फेल है तो भाई आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिए। आप सभी को बहुत अच्छी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और बिना स्किप वीडियो को देखना है, यानी कहीं भी आपको स्किप करके आगे पीछे मत बढ़ना है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का छोटी सी बड़ी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं आप सभी के बीच बिना टाइम पास किए। तो भाई सब देख सकते हैं, सबसे पहले आप सभी को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर चला आना है। तो चलते हैं, मैं अपना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर चुका है। जो आप सभी अपना रिजल्ट चेक करते हैं, तो जो भी स्टूडेंट अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर रहे हैं और जिनका भी रिजल्ट आ गया है वो सब यहाँ पर अपना रिजल्ट चेक करते हैं और यहाँ पर अपना टाइप कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करके रोल नंबर फिलअप करके अपना रोल नंबर सबमिट करके आप अपना रिजल्ट चेक करते होंगे। तो भाई मैं सबसे पहले ये दिखा देना चाहता हूँ कि इनका, तो यहाँ पर देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर चुके हैं। इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। तो भाई मैं आज आप सभी को बताने वाले हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, जिन जो भी किसी भी सब्जेक्ट में वो फेल है, तो उन स्टूडेंट के मैं बात करने वाले हैं कि आप सभी के आखिर में क्या होगा, आप सभी के रिजल्ट में किसी प्रकार की सुधार होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिलने वाला है। तो भाई देख लीजिए, जिनका भी रिजल्ट में किसी प्रकार की एरर है तो उन सभी का रिजल्ट सुधार होगा और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से रिजल्ट जारी करेगा कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट के जो पार्ट वन में है, तो उन सभी को फिर से रिजल्ट यानी री अपलोड फिर से करेगा जिनका जिनका रिजल्ट में पेंडिंग है यानी किसी सब्जेक्ट में जो फाइल है, उन सभी बच्चों को पास करेगा और फिर से रिजल्ट अपलोड करेगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऐसा क्यों कर रहा है वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको रिजल्ट वाला पोर्टल पर लेके बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को दिखाई देता होगा रिजल्ट पोर्टल, ठीक है। तो जैसे आप रिजल्ट पोर्टल पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा रिजल्ट वाला पोर्टल पर। तो आपको सिंपल सी क्या करना है, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है, और यदि आप डायरेक्ट रिजल्ट वाला पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट रिजल्ट वाला पोर्टल पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइड मोड कर लेना है ताकि आपका मोबाइल कंप्यूटर जैसा वर्क करें। तो भाई मैं तो कर लिया हूँ, तो आपको भी कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है देख सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेशन दिखाई देता होगा और ईयर्स दिखाता होगा 2020, आपको सेलेक्ट कर लेना है ईयर्स 2020।
उसके बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम टाइप, तो एग्ज़ाम टाइप को आपको यहाँ पर देख सकते हैं, एनुअल यदि आप रखते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये सब, आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूजी के लिए नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर वोकेशनल करते हैं, तो यहाँ जो भी वोकेशनल पार्ट वन पार्ट टू में है, तो यहाँ देख सकते हैं ओनली पार्ट वन का रिजल्ट जारी है। तो जो भी स्टूडेंट चेक करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह चेक कर सकते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट अपना चेक नहीं कर पा रहे हैं तो भाई वो भी बता दिए हैं कि आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे आप रेगुलर सर क्लिक कीजिएगा, उनके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट वन का दो रिजल्ट जारी किया है, वो भी कॉमर्स का सबसे पहले, उनके बाद साइंस का जारी किया है। और आप सभी को पता होगा कि पार्ट टू का भी रिजल्ट जारी किया है कॉमर्स का, ठीक है। तो जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट हैं अभी तक आप सभी रिजल्ट नहीं चेक किए हैं और रिजल्ट में किसी प्रकार की आपका भी वादा है, तो आप सभी को सेम इसी तरह प्रोसेस है, आप सभी का भी रिजल्ट में कुछ सुधार दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करता है, अपना सब सेलेक्ट करके यहाँ पर रोल नंबर्स चेक करता है। तो जैसे चेक करता है वहाँ पर रिजल्ट में किसी प्रकार की खामियां आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत गुस्सा बढ़ता है यार, मैं बहुत उतना लिख कर आया हूँ और रिजल्ट देखूँ तो किसी सब्जेक्ट में 2-3 नंबर है, तो कैसा लगेगा, बहुत ख़राब लगता है। इसलिए लड़के स्टूडेंट लोग क्या किया, जिनका भी किसी सब्जेक्ट में 2-3 नंबर या 4 नंबर है, तो वो तो ऐसे फेल है, आप सभी को पता है। तो वो क्या किया, वो अपना यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर हंगामा किया और वहाँ पर कुछ समाधान किया गया है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि फिर से अपलोड किया जाएगा, जो भी रिजल्ट में गड़बड़ी है उनको सुधार करके फिर से अपलोड यानी री अपलोड कर दिया जाएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर, फिर से यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि अपलोड हुआ या नहीं हुआ, तो भाई आप लोग को बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। ऐसे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जब आपका आर्ट्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो उस समय आप लोग भी चेक कर लेना है, क्योंकि उस समय आप सभी का रिजल्ट फिर से अपलोड की कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी स्टूडेंट बीए पार्ट वन का है, तो उन सभी का रिजल्ट इसीलिए रुका हुआ है, उनका कॉपी अच्छी तरह से सब कुछ जाँच है, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, उसमें भी बहुत सारा खामियां है, एरर है। इस कारण से जो भी खामियां हैं उनको दूर करके रिजल्ट पब्लिकेशन किया जाएगा, और जो भी साइंस और कॉमर्स में खामियां हैं उनको भी दूर कर दिया जाएगा, और उनके बाद आपका रिजल्ट आपका वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी को मेरा वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, यदि वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका भाई इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले फास्ट आपको मिलते रहते हैं। तो आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।